दोस्तों, एलन मस्क ट्विटर पे एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आ रहे हैं। 1 फरवरी से ट्विटर की जो अकाउंट सस्पेंशन की पॉलिसी है वो पूरी तरह से बदलने वाली है। यानी कि एलन मस्क का ये कहना है कि ट्विटर पे जो अकाउंट्स हैं बहुत कम सस्पेंड होंगे। एलन मस्क का ये कहना है कि जब कोई ज़्यादा आप ऐसा काम कर देंगे जो कि आपको नहीं करना था, तभी आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, वरना आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं किया जाएगा। और एक तरीके से आपको अकाउंट सस्पेंड जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग आप अपील भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आप उसके रिगार्डिंग अपील कर सकते हैं कि भाई ये जो हमारा अकाउंट है वो गलती सस्पेंड हुआ, या फिर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों अकाउंट हमारा सस्पेंड किया गया, तो उसको रिव्यू किया जाएगा। हो सकता है आपका अकाउंट आपको वापस मिल जाए। तो बात करेंगे जिसके बारे में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जब जो ट्विटर है वो एलन मस्क के पास नहीं था, तो उससे पहले ट्विटर पे अकाउंट्स काफी ज्यादा सस्पेंड होते थे और वापस भी नहीं आते थे। अगर सस्पेंड हो गए तो भाई हो गया, वापस आपको मिलेगा ही नहीं। अगर किसी ने हैक वैक कर लिया तो बात अलग है, आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर सस्पेंड ट्विटर ने कर दिया है तो आपको मिलना मुश्किल है, आपको मिलेगा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द चांसेस आपको मिलेगा ही नहीं अगर ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। तो उस वक्त भी एलन मस्क का ये कहना था कि देखिए, अकाउंट बंद करना या सस्पेंड करना, लोगों की आवाज को दबाना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं आपको इस चीज का एक एग्जांपल दूं ना, तो अब ट्विटर आ चुका है एलन मस्क के पास में, वो उसके मालिक हैं। और अब एलन मस्क ने काफी सारे अकाउंट को रिकवर कर दिया, जिसके अंदर पहला नाम मैं अगर आपको बताऊं वो है डोनाल्ड ट्रंप का। उनका अकाउंट ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब वापस से दोबारा मिल चुका है। और कंगना रनौत का अकाउंट भी वापस आ चुका, जो कि 2 साल पहले सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे एलन मस्क का मानना यही है कि किसी की भी आवाज को दबाना नहीं चाहिए, जो बोलना चाहता है वो स्वतंत्र बोलने के लिए, इंडिपेंडेंस है पूरी तरह, फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी के लिए है। और इसीलिए एलन मस्क ने ट्विटर की अकाउंट सस्पेंशन पॉलिसी में बदलाव कर दिए हैं। 1 फरवरी से आपको अपडेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, बदलाव देखने के लिए मिल जाएंगे। इनके अंदर होगा क्या, देखिए, सबसे पहली बात तो कि ट्विटर ने कहा कि जब भी आप कोई गंभीर गलती करते हैं, यानी कि ऐसी गलती कर देंगे जो कि होनी नहीं चाहिए, है ना। गंभीर मामले कौन कौन से, मैं आपका आगे बताने वाला हूँ। यानी कि आप अगर आप इन इन चीज़ों को, इनकी इनकी इन इन पॉलिसी को जो आप उल्लंघन करते हैं, तो ही आपको जो है अकाउंट सस्पेंशन का सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं किया जाएगा, आपको कुछ छोटी मोटी सजा दी जाएंगी। वो सजा कैसे है, जैसे कि मान लीजिए आपके जो अकाउंट है उसकी जो आपने ट्वीट्स करते हैं उसकी रीच को कम कर दिया जाएगा, वो रीच ज़्यादा नहीं की जाएगी। या फिर आपने कोई अगर ऐसा गलत ट्वीट कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो ट्विटर आपसे बोलेगा कि अगर आप कोई नया ट्वीट करना चाहते हैं या अपने अकाउंट का एक्सेस लेना चाहते हैं, तो अपने पुराने ट्वीट को डिलीट कर दीजिए जो आपने गलत किया है, तो आपको डिलीट करना पड़ेगा वो ट्वीट, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी सजा आपको दी जाएगी, जो कि अकाउंट सस्पेंशन से तो आई थिंक अच्छी ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, भाई वो गंभीर मामले कौन से हैं जिनके अंदर अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाएगा। देखिए, वो गंभीर मामले हैं पहले कि आप लोग कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है, इलीगल कोई कॉन्टेंट नहीं डालना है ट्विटर पर, या फिर नहीं पोस्ट करना है, ठीक है। आपको किसी को डराना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना, यानी कोई ऐसे ट्वीट नहीं करना है जिससे कोई डर जाए, उसको कोई नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको साथ में हैरेसमेंट वगैरह के ट्वीट्स भी नहीं करने हैं, कोई पोस्ट नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ट्विटर की हैं। तो इन सभी को आपको मानना है, अगर आप इनको मानते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर बाय चांस गलती से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, आपने कुछ नहीं किया, तो 1 फरवरी से न्यू जो पॉलिसी आ रही है, न्यू जो अपडेट आ रहा है, इसके बाद में आप अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए अपील भी कर सकते हैं। वैसे तो आपका अकाउंट देखिए सस्पेंड होगा ही नहीं, क्योंकि ट्विटर ने बोल ही दिया है, आपको छोटी मोटी सजाएं मिलेंगी, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है इन सजाओं के बारे में। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये ट्विटर ने कैसा कदम उठाया, आपको कैसा लगा कदम कि अकाउंट सस्पेंड होगा ही नहीं, बहुत ही कम चांसेस है कि आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, आपको छोटी मोटी सजाएं मिलेंगी जिसके बाद में आपका अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप उनको मान लेते हैं तो। दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि जो ट्विटर है ना वो यूज़ करने लायक है नहीं, क्योंकि उसमें देखिए मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती थी, दिन पर दिन न्यूज़ आती थी ट्विटर में ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ट्विटर आई थिंक बेटर होता जा रहा है। आपका कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग यूज़ करते हैं ट्विटर तो भी मुझे कमेंट करना, फिर मैं भी देखता हूँ कि यूज़ करना है नहीं करना। वैसे मेरा अकाउंट क्रिएट ट्विटर पर, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग यूज़ करते हैं ट्विटर को, और ये न्यू जो पॉलिसी है अकाउंट सस्पेंशन की आपको कैसे लगी, ये भी कमेंट करके बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के टेक वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।